डुअर की डुडुआ नदी से दुर्लभ प्रजाति की 3 मछलियां बरामद हुई है। मंगलवार की सुबह धुबगड़ी जिला परिषद के डाक बंगलो इलाके स्थित अस्थायी मछली बाजार में क्रेताओं ने इस दुर्लभ प्रजाति की मछलियों को एक व्यवसायी के पास देखा। नई तरह की मछली देखने के लिए लोगों में कौतूहल, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोग हाथ में मछली लेकर सेल्फी लेने लगे। दुर्लभ प्रजाति की ये मछली समुंदर की मछली की तरह है। इसका शारीरिक गठन पूंछ थोड़ा अलग है। सिर से लेकर पूंछ तक मछली का शरीर गेंडे जैसा सख्त है। मछली का पूरा शरीर धारदार कांटे से भरे है। क्रेता से लेकर पर्यावरण प्रेमी सभी इस मछली को देखकर आश्चर्य हो गए हैं। पर्यावरण प्रेमी यह जानने में जुट गए हैं कि कैसे यह मछली दुवर्ष की नदी में आई। मत्स्य व्यवसाय के अनुसार यह मछली खाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा बेहद सख्त है और धारदार कांटे हैं। নদীর মাছ কিনছেন আপনি মাছগুলো? এটা কি খায় মানুষ? না। তাহলে এই যে মাছগুলো আনছেন এগুলো তো মারা যাবে, এগুলো তো লুপ্ত প্রায়, আপনি কি জানেন? এগুলো লুপ্ত প্রায় আপনি জানেন? কততে কিনছেন? চল্লিশ টাকা কিনছেন। কতজন মাছ ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসা করেন? সাত আটজন। আপনার নাম? হোসাই হালদার।